हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपका सब्जेक्ट है साइंस का। साइंस में हम लेसन 6 पढ़ेंगे, नो अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में। अबाउट द लेसन, इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, देयर बिहेवियर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में जानवरों का क्या महत्व है और तरह तरह के जानवर क्या हमें देते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ तरह तरह के जानवर होते हैं। सम एनिमल्स आर केप्ट एट हाउस, कुछ जानवर घरों में रखे जाते हैं। सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, कुछ जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स, वी टेम सम एनिमल्स इन आवर हाउसेस, कुछ जानवर हमारे घरों में पाले जाते हैं। दीज एनिमल्स आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स, और ये जानवर पालतू जानवर कहे जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल आर यूजफुल टू अस, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। बुफेलोस, काउस, हेंस, शीप, पिग्स एंड डक्स आर केप्ट एट होम। आप देखते हैं ये सब जो एनिमल्स हैं, जैसे काउ, शीप, हेन, डक, बुफेलो, इनको हम घर में रखते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक टाइगर, जेब्रा, एलिफेंट, जिराफ एंड लॉयन लिव इन द जंगल। आप ये देख रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, जेब्रा, ये सब एनिमल्स जो हैं फॉरेस्ट में रहते हैं। काओ, गोट एंड बुफेलो गिव अस मिल्क, काओ, गोट एंड बुफेलो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। वी यूज मिल्क इन वेरियस फॉर्म, मिल्क को हम कई तरह से प्रयोग करते हैं। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, मिल्क जो है चिल्ड्रंस की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैमल, डोंकी, हॉर्स कैरी आवर लोड्स, जो कैमल है, डोंकी है और हॉर्स है वो क्या लेके जाते हैं? कैरी आवर लोड्स, लोड्स मीन्स बोझ। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, इन जानवरों को हम क्या कहते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है, इनको कहा ही ऐसे जाता है, बीस्ट ऑफ बर्डन। ऑक्सन हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, वेल्स मीन कुआं, कुएं से पानी निकालना। प्लो फील्ड्स, खेत जोतना, थ्रेश ग्रेन्स और अनाज को साफ करना, ये कौन करता है? ऑक्सन। हेंस गीज एंड डक्स गिव अस एग्स, हेंस पता है, गीज होता है हंस, एंड डक्स बतख, ये तीनों क्या देते हैं हमें? एग्स देते हैं। वी यूज एग्स इन वेरियस फॉर्म, एग्स को भी हम अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। शीप गिव्स अस वूल, शीप हमें क्या देती है? वूल देती है। वूल इज द हेयर दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ शीप, शीप की बॉडी पे जो हेयर ग्रो करते हैं वो वूल होती है, उसको काट कर वूल बनती है। वूल कीप्स अस वॉर्म इन विंटर, वूल जो हमें विंटर में वॉर्म रखती है। आज हमने इस चैप्टर में ये दो पेज पढ़े हैं और जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं वो आप सब बच्चों ने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ऊपर लेसन 6 लिखेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिखेंगे, और अभी इसका चैप्टर रहता है ये हम नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे और इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है बच्चों? ओके, बाय।